रमण रेति में तो नहीं पियो न यमुना पान, हे नर तू जानो नहीं ब्रज को तत्व महान। ग्वाल वालों के साथ में यहाँ 9 लाख गाय चराने आती थी। भगवान ने राधा रानी के साथ रमण किया है, रमण मतलब रेती में लोट लगाई है। ये है वो रेती जिस रेती में भगवान श्री कृष्ण का आज भी वास है। देखो यूसुफ भाई सही बन गए ना, यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं ना ये सब भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पे महसूस कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ब्रज की इस पावन धरा रमन रेती में। जी हाँ दोस्तों, यह जगह मथुरा से करीब 10 किलोमीटर दूर है और गोकुल से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर। ये वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण खेला करते थे और गाय चराने आते थे। यहाँ पे पहले वन था, जैसा कि लास्ट वाले वीडियो में पंडित जी ने बताया था, यहाँ पर 12 वन थे तो उन्हीं में से एक वन यहाँ पर था, जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल वालों के साथ गाय चराने के लिए आते थे और बचपन में इसी रेती में खेलते थे। मतलब रेती यहाँ से थोड़ा सा आगे यहाँ पे काफ़ी बड़ा मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण जो है करीब 200 साल पहले हुआ था। इस मंदिर के पीछे रमन रेती है जहाँ पे आज भी वो रेत है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण खेला करते थे, और रमन रेती के जस्ट पीछे ही जमुना जी नदी बह रही है। यहाँ पे दूर दूर से दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए आते हैं। चलिए अब अंदर चलते हैं। बहुत ही बढ़िया व्यवस्था की हुई है, नीचे शानदार चटाई बिछी हुई है, कोई भी यहाँ पे जूते चप्पल पहन के नहीं आता है। यहाँ पे काफ़ी बड़ा प्रांगण है, भागवत कथा का जो प्रोग्राम होता है या फिर कोई अन्य प्रोग्राम होता है, जागरण कीर्तन, वो सभी यहीं होते हैं। इधर दिखाई देगी, यहाँ पे स्टेज है और इधर भगवान श्री कन्हैया जी की फोटो लगी है, शेषनाग के ऊपर खड़े हैं, और काफ़ी बड़ा प्रांगण। अभी यहाँ पे लोग वहाँ लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। और मैं जहाँ बखरा मेरे ठीक सामने, इधर दिखाओ, मंदिर के ठीक पीछे जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो रेती है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने बचपन में खेला करते थे। तो पहुँच चुके हैं हम फाइनली रमन रेती। देखिए ये है वो रेती जिस रेती में भगवान श्री कृष्ण का आज भी वास है। लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से लोटपोट हो रहे हैं, बैठे हुए हैं। और मंदिर प्रांगण का ये पीछे कैसा, इधर आइए आगे देखिए, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी और बड़े भैया बलदाव जी और साथ में ग्वाल बाल बैठे हैं, फल फ्रूट का यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं। भगवान श्री राधा कृष्ण जी और ग्वाल बाल बैठे हैं, संत महात्मा भजन कीर्तन कर रहे हैं। और तीसरा पोस्टर इधर लगा हुआ है, देखिए इसमें भी ग्वाल वालों के साथ में भगवान श्री कृष्ण जी और हल को लिए हुए बलदाव जी। आगे आइए, इधर देखिए यहाँ पे मिट्टी के कुछ मतलब घर से बना रहे हैं। इधर आओ आगे, इधर देखो कैसे लोटपोट हो रहे हैं मिट्टी में। यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं ना ये सब भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पे महसूस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे मिट्टी को इकट्ठा किया हुआ है। अभी वैसे भी बरसात का मौसम है, मिट्टी ठंडी है और वातावरण भी एकदम बढ़िया है। इधर देखो लोग नाच रहे हैं। आओ इधर लाओ यूसुफ,
अच्छा आज मेरे साथ है यूसुफ भाई कैमरामैन, देखो ये हमारा पूरा वीडियो शूट कर रहे हैं। यहाँ पर पीछे संत महात्माओं के लिए कुटिया बनी हुई है, देखाओ इधर देखिए कुटियाँ बनी हुई हैं। आओ यहाँ पे एक पंडित जी कुछ कहानी सुना रहे हैं लोगों को बिठा करके, तो इस तरह की कहानियाँ भी यहाँ पे चलती रहती हैं। तो यहाँ पे हमें कोई संत महात्मा नहीं देखे, कोई संत महात्मा मिले तो उनसे कोई बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आइए अच्छा यहाँ पे सभी ना मिट्टी को इकट्ठा कर रहे हैं, हम भी कर लेते हैं। आओ यहाँ पे मिट्टी इकट्ठी हो रही है, इसको ही हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं ऐसे। जय श्री कृष्णा। देखो यूसुफ भाई सही बन गए ने। पति पत्नी नो दान से, अकेला आया तो अकेला दान से। वहीं बैठ जा मैया पीछे बैठ। जय बोले रमण बिहारी लाल की जय। ये रमन देती राम है, ये भगवान की खेलन भूमि है जी। यहाँ भगवान ग्वाल वालों के साथ में, ग्वाल वालों के साथ में यहाँ 9 लाख गाय चराने आते थे। 9 लाख गाय? हाँ, नंद बाबा की यहाँ 9 लाख गाय थी। 9 लाख गायों को चराने जाते थे, या एक एक गाय को बुलाने नहीं आते थे, भगवान मुरली की बनकर यहाँ गायों दौड़ी चली आती थी। तो 9 लाख गायों के लिए तो बहुत। ग्वाल वालों के साथ में पूरा एरिया जो है, वन को बोलते हैं मूज वन। यही एरिया नहीं है, पूरा बने है ये मूज बने। इस पर ये गोकुल है, इसका नाम गायों का कुल है। यहाँ नंद बाबा की यहाँ 9 लाख गाय थी जी। पहले गाय का नाम नंद गाँव था, यहाँ नंद बाबा ने 9 लाख गाय दान किया तो गोकुल नाम हुआ। यहाँ गाय तो दो नंद गाँव, दूसरा है जब मामा कंस ने राक्षस भेजे हैं ना भगवान को मारने के लिए, तो नंद बाबा भगवान के डर की वजह से छुपा करके लेके गए हैं। तो ये धाम से ही भगवान नंद गाँव बसाया है जी। यही ये भगवान की कीला स्थली है। भगवान ने राधा रानी के साथ रमण किया है। रमण मतलब रोटी में लोट लगाई है, लोट लगा रहे हैं ना, ऐसे यहाँ भगवान ने ग्वाल बालों के साथ में बाल भोग भी किया करते थे। यहाँ राधा रानी के साथ रमण किया है। यहाँ का एक महत्व है, कहते हैं रमण रोटी लोट हो नहीं पियो ना यमुना पान, हे नर तू जानो नहीं ब्रज को तत्व महान। तो ये रमण रोटी के अंदर यहाँ भगवान ने राधा रानी के साथ रमण किया है। तो यहाँ लोट लगाने से शरीर के रोग दोग सब दूर हो जाते हैं, शरीर काया निर्मल काया निरोगी काया हो जाती है, ऐसा महत्व है यहाँ का। तो ये सब भक्त लोग यहाँ लोट लगा रहे हैं, इनको भगवत प्राप्ति होती है, भगवान के चरणों की रज मिलती है। जो भजन सुना है आपने, राधे तेरे चरणों की पग धूल भी मिल जाए, तकदीर बदल जाए। तो यहाँ के चरणों की रज, इसमें दो कण है देख लो, एक भूरा कण है एक काला कण है। बिल्कुल काले थे भगवान श्री कृष्ण और गोरी थी राधा रानी। तो राधा कृष्ण के चरणों की रज है। भक्ति किसको ये ज्यादा भाग्यशाली होता है। अच्छा, बाकी का तो ये कपड़ों से तो बिल्कुल नहीं लगेगी। अच्छा हाँ, या की रज लेके नहीं आते हैं, ये रज मस्तक से लगाते हैं, लोक लगाते हैं तो उनके कष्टों को दूर करती है। मानो तो भगवान है, नहीं मानो तो देख तो ही है। इसके ऊपर काज भी कदम का पेड़ है, इसके ऊपर दोने बनते हैं। अच्छा, ये कदम का पेड़ दोना बनते हैं, जो गाल बालों के साथ में भगवान जो माखन खाते थे ना। हाँ, ये सब खाते थे, ये सब भगवान या कदम के पत्ते बना तोड़ करके दोना बनाते थे। वैसे आज के टाइम पे बनते हैं अभी? हाँ, आज भी दोने निकलते हैं इसका, कदम के पेड़ के ये दो चार दोने होंगे अब भी। अच्छा, ये वाला पेड़ उसी टाइम का है क्या? हाँ जी, मर के भगवान के पास ऊपर गया सड़क लोग, तो खाने को क्या मिला? सोना। पीने को क्या मिला? पहनने को क्या मिला? रमन रेती के दर्शन करने के बाद अब हम चलेंगे इस मंदिर के जस्ट पीछे, जहाँ पे यमुना जी बह रही हैं। यहाँ पे छोटा सा गेट खोल रखा है, लोग तो ऊपर से कूद कूद के निकल रहे हैं यार, हम कैसे निकल पाएंगे? हम तो मेन गेट से निकलेंगे, आओ यहीं से निकलेंगे, छोटा सा गेट है, यहीं से लोग आ भी रहे हैं और इसी से जा भी रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो गई है। फंस गए वो, फंस गए, लाओ एक मिनट देना।
इसका मतलब पीछे तो जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है मंदिर दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहेगा, तो हमें लगा कि शायद मंदिर ही बंद रहेगा, लेकिन यहाँ तो रोड कुछ और ही था। हम पीछे यमुना जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो वहाँ का मेन गेट ही बंद कर दिया, हालांकि दर्शन तो हमने 12 बजे से पहले ही कर लिए। हमने सोचा शायद यमुना जी तो घूम सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर यमुना जी नहीं घूम पाए। और मेरे पीछे जो मेन गेट देख रहे आप, इसको भी बंद कर दिया गया है। आने वाले जो हैं उनको नहीं आने दे रहे, और जो जाने वाले, इधर दिखाओ, तो यहाँ से जो बाहर निकल रहे हैं ना, बस वही लोग निकल पा रहे हैं, बाहर से अंदर नहीं आ रहा कोई। शाम को 4 बजे के बाद यहाँ पे एंट्री होगी। तो आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।